पटना। भारतीय इतिहास में यह नगर अनेक नामों और कारणों से चर्चित रहा है। इसकी प्राचीनता का उल्लेख भविष्य पुराण के ब्रह्मखंड में मिलता है। ईसा पूर्व यह नगर पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि कुश नामक महाबली राजा गधी, जो महर्षि विश्वामित्र के पिता थे, उनकी कन्या का नाम पाटली था। उसी कन्या को पुत्र प्राप्ति पर प्रसन्न होकर राजा गधी ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। दूसरी मान्यता यह भी है कि यहां चहुं ओर पाटली वृक्षों की अधिकता के कारण शायद नगर का नाम पाटली पड़ा था। कालांतर में यही नगर पाटली, पाटलीग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पुष्पावती, पुष्पहयपुर, श्रीनगर, पाटलिपुत्र, पोलीब्रोथ, पोलिम्ब्रोथ, पलियने फूपलीन, अजीमाबाद और पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी अधिष्ठात्री देवी पटन देवी हैं। तवारीख शेरशाही के मुताबिक सन 1541 ईस्वी के बाद इस नगर का नाम पटना पड़ा था, लेकिन जब औरंगजेब के पौत्र अजीम उशान को यहां का सूबेदार बनाया गया तो कुछ वर्षों तक ये नगर अजीमाबाद कहलाया। वर्तमान में यह ऐतिहासिक नगर भारत के एक प्रमुख राज्य बिहार की राजधानी है। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन भाषा संस्कृत की व्याकरण के रचयिता आचार्य पाणिनि की जन्मभूमि भी बिहार है। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग पहली बार मिलता है, जिसका व्यापक अर्थ ललित कला ही है। ये सर्वविदित है कि मुगल काल में चित्रकला अपने उत्कर्ष पर थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के गद्दी पर बैठने के बाद सबसे ज्यादा क्षति चित्रकला को हुई। मुगल राजाओं का राजाश्रय समाप्त होने के बाद जो शाही मुसब्बीर और चितेरे थे, वो जीवकोपार्जन के लिए मजबूरन दिल्ली दरबार से पलायन कर गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठे तो उनका अधिकतर समय लड़ाइयों में बीता और ललित कलाओं के प्रति भी वो बड़े उदासीन थे। चित्रकारों का एक दल उत्तरी भाग की पहाड़ियों की ओर रुख कर गया, जैसे बसोहली, कांगड़ा, गढ़वाल, जम्मू, चंबा, कुल्लू और मंडी। दूसरा दल राजस्थान के उदयपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा, फैजाबाद, वाराणसी तथा बंगाल के मुर्शिदाबाद जा पहुंचा। उन दिनों मुर्शिदाबाद के नवाब मीर जाफर बड़े ही कला प्रेमी थे। उनकी कला प्रियता से आकर्षित होकर ही चितेरों की एक टोली यहां आ पहुंची थी। नवाब मुर्शिदाबाद ने उन चित्रकारों को गंगा नदी के तट पर बालूचक नामक स्थान पर बसाया था। नवाब मीर जाफर के प्रोत्साहन से यहां चित्रकार दल फलने फूलने लगे। वो दरबारी चितेरे धीरे धीरे यहां ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों और व्यापारियों के भी संपर्क में आने लगे। फलतः वो चित्रकार उनके संपर्क में आकर अंग्रेजी में संवाद करने के साथ साथ उनकी रुचि के अनुसार चित्र भी सृजित करने लगे। चित्रकार मनोहर जी उपयुक्त जगह की तलाश में बंगाल गए। वहां देखा मुर्शिदाबाद कला संस्कृति का केंद्र है, वहां के नवाब कलाप्रिय हैं, वो व्यवसाय का केंद्र है और अंग्रेज अधिकारी वहां नियमित आते जाते हैं। कालांतर में राजनैतिक समीकरण बदल गया, जिसका प्रभाव उन चित्रकारों पर भी पड़ा। नवाब मीर जाफर ने अपने पुत्र मीरान को गद्दी पर आसीन किया। मीरान की रुचि कला में बिल्कुल नहीं थी।
फलस्वरूप उन चित्रकारों को पुनः विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। पटना उन दिनों समृद्ध नगर था। यहाँ सूती वस्त्र, शक्कर, नील, अफीम, शोरा और मसालों का व्यापार खूब होता था। व्यापार का प्रमुख केंद्र होने से डच, चीनी और पुर्तगाली व्यापारी भी यहाँ व्यवसाय के चलते अपने अनुसार आवास बनाकर लंबे समय तक यहीं रहते भी थे। बिहार धीरे धीरे विकास की ओर था। यहाँ पर नई गतिविधियाँ शुरू हो गईं। मुर्शिदाबाद के कलाकारों को ये बहुत उपयुक्त स्थान लगा और सन 1760 में ये मुर्शिदाबाद से पटना आ गए। मुर्शिदाबाद से आए चित्रकारों को पटना हर दृष्टि से उपयुक्त स्थान लगा। ये चित्रकार दल पटना सिटी के मच्छरहट्टा, लोदी कटरा चौक और दीवान मोहल्ला में आकर बस गए। ये चित्रकार यहाँ के राजाओं, नवाबों, जमींदारों, अंग्रेज अधिकारियों, व्यवसायियों और अंग्रेज सैनिकों की इच्छा के अनुरूप चित्र सृजित करने लगे। पटना परिधि में तत्कालीन दीनापुर यानी दानापुर में अंग्रेज सैनिकों की छावनी भी थी। स्थानीय नवाब, जमींदार और व्यवसायी कला प्रेमी थे। जो दूसरे कलाकार थे बिहार की छोटी रियासतों में, बेतिया, दरभंगा, पूर्णिया, गया, आरा, इन जगहों पर चले गए। वहाँ जाकर ये नवाब जमींदारों के दरबारी चित्रकार हो गए। पटना कलम के कलाकार जो हैं आप के वाराणसी में भी जो है राजा ईश्वरी नारायण सिंह के समय में, काशी नरेश जो राजा ईश्वरी नारायण सिंह थे उनके समय में उनके दरबार में आश्रय लिए थे और राजा ईश्वरी नारायण सिंह को कला प्रेमी भी थे तो उन्होंने इनको आश्रय दिया और बहुत सा काम पटना कलम का उनसे करवाया, जिसमें पटना से जो कलाकार गए थे उसमें दल्लू लाल, हुलास लाल, छगन लाल। पटना कलम चित्र शैली का आविर्भाव पर्शियन, मुगल और ब्रितानिया शैली के सुमेल से हुआ। ये कला शैली पटना की सरजमी पर न केवल पल्लवित और पुष्पित हुई बल्कि पटना कलम के नाम से विश्वविख्यात भी हुई। कोई भी पेंटिंग के की दुनिया में हम लोग जो कलम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका अभिप्राय एक स्टाइल, एक इसका एक शैली से होता है। इन चित्रों में मुगल शैली के रंगों, रेखाओं तथा कंपनी शैली यानी ब्रितानिया शैली की प्रकाश छाया स्पष्ट रूप से प्रस्फुटित होने लगी। पटना कलम के चित्रों की पृष्ठभूमि अधिकतर सादा है, जबकि मुगल शैली के चित्रों में जो बॉर्डर होते थे वो बहुत ही नक्काशीदार, कलात्मक होते थे, पर पटना कलम के चित्रों में बॉर्डर की परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो गई और विषय प्रधान होने लगे। इस शैली के चित्रकार व्यावसायिक दृष्टि से भी चित्र सृजित करने लगे। इसीलिए कुछ कला मर्मज्ञों ने इस चित्र को फिरका और बाजार शैली के भी चित्र कहा। उनकी उपयोगिता अंग्रेज लोग यहां की यादगार के रूप में करते थे। विश्व भर की ललित कलाओं के इतिहास में ये पहली घटना थी जब राजाओं, नवाबों, राज दरबारों और हरम से इतर आम जनजीवन पर आधारित पटना कलम चित्र शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची। 1760 ईस्वी में पटना कलम चित्र शैली की पहली शुरुआत हुई थी और कहा जाता है कि पटना कलम की शुरुआत मुर्शिदाबाद से ही शुरू हुई। पटना कलम के चित्रों के माध्यम से तत्कालीन आम परिवेश, परिधान, रहन सहन, जीवन यापन, तीज त्योहारों और पशु पक्षियों के अंदाज का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। भाती यानी धोकनी चलाता लोहार, तिलंगी यानी पतंग बनाने वाला, मछली बेचने वाली, बाल दाढ़ी बनाता नाई, भिश्ती पानी ले जाते हुए, ढोलकिया, ठठेरा, शादी ब्याह, त्योहारों, मेलों, नाचने गाने वालों, हाट बाजारों जैसे जन विषयक चित्र
इसे अन्य शैलियों से भिन्न और विशिष्ट करते हैं। एक जो सबसे बड़ी खासियत मैं ये देखता हूँ पूरे भारतीय चित्रकला के इतिहास में कि पटना कलम कहीं ना कहीं से जनता की अभिव्यक्ति थी, मैंने यह जन कला थी, जो कहीं भी पूरे भारतीय चित्रकला में हम लोग को ये बात नहीं दिखती है। यानी कि इसके बनाने वाले भी आम लोग थे जिनको कोई राज्याश्रय नहीं था, और इसमें जो लोग चित्रित हुए वो भी आम लोग थे। इस शैली के अधिकतर चित्रों में पृष्ठभूमि का अभाव रहता था, यानी चित्रों के पीछे सफेद धरातल छोड़ा जाता था ताकि चित्र का अवलोकन करने वाले कला प्रेमी विषय पर ही केंद्रित रह सकें। पटना कलम लघु चित्र शैली के चित्र मुख्य रूप से कागज, अभ्रक, हाथी दांत, सिल्क और तांत के कपड़ों पर मिलते हैं। जो चित्र कागज पर सृजित मिलते हैं वो बसली यानी बांस के कागज और नेपाल से प्राप्त कागजों पर बनाए जाते थे। तूतिया मिश्रित मैदे की लेई से इन्हें एक के ऊपर एक चिपकाया जाता था और इसे अकीक पत्थर से घिसकर चिकना बनाया जाता था। कागजों के छोटे छोटे टुकड़े को लोग इस्तेमाल में लाते थे। ये कागज मूल रूप से नेपाल से आयातित होता था। कागज बनाने के एक दूसरे और तरीके थे जिसमें लुगदियों को भींगो के फिर उससे कागज तैयार किया जाता था। इस शैली के जो चित्र हमें अभ्रक पर बने मिलते हैं उनमें अभ्रक की पतली परत जो पारदर्शी हुआ करती थी उसे समुद्री फेन या झाक के माध्यम से इसकी परत को रूखड़ा बनाया जाता था, वो भी इसलिए कि उस पर आसानी से जल रंग चढ़ाया जा सके। अभ्रक पे जो चित्रकारी हुई है पटना कलम की, उसका उपयोग उस समय लाइटिंग के लिए किया गया, यानी प्रकाश के साथ उसको देखने का एक अलग और अद्भुत आनंद था। खास करके तजिया सजाने के लिए उसका उपयोग हुआ, घरों को लोग सजाने में उसका उपयोग किए। हाथी दांत पर चित्र बनाने के लिए हाथी दांत की पतली 1 इंच से 3 इंच की परिधि या चौकोर आकृति पर चित्र अंकित किए जाते थे। जो हाथी दांत पर जो चित्र बनाए गए हैं पटना कलम के, उसकी विशेषता ये है कि वो खास करके अंग्रेजों के लिए कलाकारों ने उसको तैयार किया। हाथी दांत को की गोल आकृतियों पे वो चित्रकारी की जाती थी जिसको लोग ब्रुच के रूप में इस्तेमाल करते थे। ब्रुच मीन्स मतलब उस समय के जो लॉन्ग कोट हुआ करते थे उसमें वो लगाया जाता था। पटना कलम शैली के कुछ चित्र सिल्क और तांत के कपड़ों पर भी उपलब्ध हैं, जिनमें कपड़े के ऊपर अंडे की जर्दी या चावल की माहड़ में तूतिया मिलाकर लेप चढ़ाया जाता था। इसके बाद उसे अकीक पत्थर से घिसकर चिकना बनाया जाता था और उस पर चित्र सृजित किए जाते थे। इस शैली के चित्रकार अपनी तूलिका का निर्माण भी स्वयं किया करते थे। इसके लिए वो चित्रकार गिलहरी के बालों या घोड़े की गर्दन के बालों को पानी में उबालकर नर्म करते थे और फिर कबूतर या चील के पंख की डंठल में बांधकर या घुसाकर अलग अलग मोटाई की तूलिका का निर्माण करते थे। पक्षियों को खास करके देखें तो उनके जो पंख होते हैं तो उन पंखों के बीच वाले एरिया को जो वाइट रहता है सरफेस, वो अंदर से खोखला होता है, तो वो बाल को गिलहरी के बाल को पहले बांध देते थे एक कॉर्नर पे ले जाके जहाँ बाल इंड करता था, वहाँ पे बांधने के बाद फिर उसको क्विल के अंदर डालते थे। पटना कलम के चित्रकारों में एक सबसे बड़ी खासियत ये थी, उनका जो स्टेपलिंग है वो कभी कभी एक बाल का स्टेपलिंग है, मतलब एक बाल का उन्होंने प्रयोग किया अपने चित्रों में, अपने रेखांकन में। वो चित्रकार रंगों का भी स्वयं निर्माण किया करते थे। वो ज्यादातर खनिजों से या प्राकृतिक माध्यमों से रंग बनाते थे। कुछ रंग फूल, फल तथा विभिन्न वृक्षों की छाल के रस से प्राप्त किए जाते थे। हड़ताल पत्थर को घिसकर पीला रंग तैयार किया जाता था, नीले पत्थर से नीला और गेरू मिट्टी सिंद्रक से लाल रंग प्राप्त करते थे।
तेल के दीपक की फुलिया से काला रंग और सीप को जलाकर सफेद रंग तैयार किया जाता था। चटखदार पीला रंग बनाने के लिए गाय को हल्दी खिलाई जाती थी। उसके मूत्र को कई दिनों तक रखा जाता था, जिससे हल्दी निचली सतह पर बैठ जाती थी। फिर उसे महीन कपड़े से छानकर उसमें बबूल की गोंद मिलाकर खरल में पीसकर चटखदार पीला रंग तैयार किया जाता था। वनस्पतियों से जो रंग इसमें उपलब्ध हुए हैं पटना कलम में, तो उसके लिए फूलों का उन्होंने प्रयोग किया, कुछ पत्थरों से उन्होंने तैयार किए कुछ रंग, कुछ चित्र जो पटना कलम के हैं उसमें बॉर्डर्स भी हैं, आप उसमें देखेंगे कि वो बॉर्डर सुनहले हैं या चांदी का के तबक का उसमें उपयोग हुआ है। तो उसके लिए शहद में वो शहद का उपयोग करते थे और शहद में वो तबक चांदी का या सोने का रख के उसको काफ़ी देर तक मिलाते थे वो लोग, जब तक वो मिल नहीं जाता था। कला परंपरा में पटना चित्र शैली में जिन शब्दावली का प्रयोग हुआ है वो कुछ मुगल शैली के करीब हैं और यूरोपियन शैली से तो एकदम अलग है। जैसे सफ़ेद रंग को यहाँ उर्दिया सफ़ेद कहा जाता था, हरे रंग को हरा माटा कलर कहा जाता था और बादामी रंग गुल गुम्फई तोतई फाख्ताई भूरा, फाख्ता एक चिड़िया है, हरकारी सोना, सोने के रंग को हरकारी सोना कहा जाता था और रुपहरी, इन सब रंगों को बनाने की जो परंपरा थी वो अलग थी। पटना कलम के चित्रकार ज्यादातर बरसात के दिनों में रंग बनाने का कार्य करते थे। इसका मुख्य कारण था बरसात के दिनों में हवा में नमी के कारण धूल कण की मात्रा कम हो जाती है। रंगों की घुटाई अक्सर सुबह की जाती थी। गर्मी के दिनों में चित्रों का रेखांकन पूरा हो जाने के बाद उन चित्रों पर बकरी के दूध से स्प्रे किया जाता था और उसे सुखाकर रख लिया जाता था। चित्रों में रंग भरने का काम चित्रकार जाड़े के दिनों में करते थे। इस शैली के चित्रकार चित्रों में छाया प्रकाश के लिए इलायची के दाने जैसा और बारिश के तिरछे रेखांकन जैसे तूलिका घात का चित्र सृजित करते थे। इस तरह पटना कलम के चित्रकार सालों समर्पित भाव से सृजन प्रक्रिया में जुटे रहते थे। तकनीकी रूप से जितना समृद्ध हम लोग हो चुके हैं प्रिंटिंग को लेके, तो डॉट्स की कल्पना आज उसमें है। नई जो तकनीकें हमारी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई है उसमें डॉट्स बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचें कि उसी डॉट्स को, मतलब कलर का एक एक डॉट्स डाल के एक पेंटिंग को बनाना, ये बहुत बड़ी बात है जो पटना कलम के कलाकारों ने किया। सन 1861 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारी और उच्च स्तर के कला प्रेमी चार्ल्स डी आइली ने पटना के गुलजार बाग इलाके में लिथो प्रेस की स्थापना की, जहां पटना कलम की प्रतिकृति की छपाई होने लगी। बिहार में ये पहली लिथो प्रेस थी। इस लिथो प्रेस की स्थापना से विदेशों में इन चित्रों की भारी मांग सहजता से पूरी होने लगी। पटना कलम चित्र शैली में महिला चित्रकारों का भी जिक्र है, जिसमें सोना बीबी और दक्षो बीबी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। ये दोनों महिला कलाकार पटना कलम के चित्र घर पर रहकर बनाती थी। पटना कलम चित्र शैली के समाप्त होने के स्पष्ट कारण है कि इस शैली के चित्रों की पुनरावृत्ति होने लगी और तकनीकी विकास अवरुद्ध हो गया। बाद के दिनों में विदेशी सैलानियों और व्यापारियों का पटना आवागमन कम होता गया। लिथो प्रेस की बढ़ती संख्या ने भी इन चित्रकारों को ज्यादा प्रभावित किया। कैमरे के आविष्कार ने भी इस विधा के चित्रकारों पर प्रतिकूल असर डाला। पटना कलम
कि जो सीमा ये रही कि जब फोटोग्राफी का यहाँ आगमन हुआ और लिथोप्रेस का जब आगमन हुआ पटना, तो पटना कलम पर बहुत इसका सीधा प्रभाव पड़ने लग गया और लोग सीधे सीधे पटना कलम को की पेंटिंग को खरीदने के बजाय लोग प्रिंट्स को खरीदना पसंद करने लग गए। यह वही दौर था जब राजा रवि वर्मा के चित्र भी बिक रहे थे लिथोप्रेस के जो बनाए जाते थे, तो इसलिए हमारे चित्रकार उसको कम्पीट नहीं कर पाए। पटना की धरती पर जन्मे पटना कलम चित्र शैली ने अपना स्वर्णिम काल भी देखा और अपने उत्कर्ष की गाथा भी लिखी। सन 1760 ईस्वी से सन 1950 ईस्वी तक फली फूली पटना कलम के अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा के सन 1949 में निधन के साथ ही अपनी सरजमी पर ये कला धराशायी हो गई। पटना कलम से जुड़ा हुआ काफी संग्रह आपके पास रहा था। पटना शैली के मशहूर चित्रकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा का बनाया हुआ, हमारे ग्रैंडफादर राधालाल गोस्वामी का चित्र बनाया था उन्होंने वाइल पेंटिंग वो, और पटना शैली के बहुत से चित्र थे जनजीवन के बारे में चित्रण। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि एक बार चोरी हुई और सारे चित्र यहाँ से गायब हो गए। स्वर्गीय वर्मा के बाद कुछ चित्रकार पटना कलम के अध्येता जरूर हुए लेकिन इसके स्थापित कलाकार नहीं हो सके। अब वैसी प्रवृत्ति लोगों की नहीं रही है कि वाटर पेंटिंग में काम करें, और वाटर पेंटिंग में परिश्रम ज़्यादा है, समय ज़्यादा लगता है, जो कि बारीकियाँ उसमें दर्शानी पड़ती हैं। पटना कलम में जो एलिमेंट्स था वो पटना कलम की बहुत बड़ी खूबी है, वो उसका जुड़ाव था। आज की तारीख में भी पटना संभारत की समकालीन कला में ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं हैं, तो इनको चुन करके, इनको ले करके अगर भारतीय समकालीन कलाकार या बिहार के समकालीन कलाकार कुछ काम कर सकें और वो एलिमेंट्स इस रूप में लाए जाएं और उसमें वो कलाकार बोल्डली उस बात को रखें कि हमने पटना कलम से ये एलिमेंट्स लिए हैं और तब जाके उसको पेंट करें, तो इससे पटना कलम भी स्थापित होता है और हमारी समकालीन कला भी रहती है। पटना कलम चित्र शैली आज भी पटना संग्रहालय, जालान संग्रहालय पटना सिटी, चैतन्य पुस्तकालय गाय घाट पटना, खुदाबख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी अशोक राजपथ पटना, बिहार राज्य कला दीर्घा कला एवं शिल्प महाविद्यालय परिसर पटना, राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता और विक्टोरिया पैलेस कोलकाता के अतिरिक्त बिहार के अन्य राज परिवारों एवं कला पार्कियों के व्यक्तिगत संग्रहों में संग्रहित होने के साथ साथ विक्टोरिया एल्बर्ट संग्रहालय लंदन में भी पटना कलम चित्र संरक्षित एवं सुरक्षित हैं, जो आज भी इस शैली के स्वर्णिम अतीत और बिहार की कला कौशल की धाती को संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। हम लोगों ने सर्वे करवाया कि पटना कलम की कितनी कलाकृतियाँ हमारे स्टोरेज में यह हमारे डिस्प्ले में रखी हुई हैं, तो लगभग 172 यहाँ तक मुझे याद है संख्या चित्र हमारे पास हैं, जिसको हम लोगों ने एक कॉफ़ी टेबल बुक के रूप में लोगों के सामने लाने का निर्णय किया और उसका ही प्रतिफल है कि हम लोगों ने यह संकलन जो आप देख रहे हैं बिहार की विरासत पटना कलम यह बनी। सरकार का यही प्रयास था कि हम इस विधा के छुए अनछुए पहलुओं को लोगों के सामने लाएं और इसी कड़ी में इस पुस्तक का हम लोगों ने प्रकाशन करवाया। पटना कलम के लगभग 250 वर्क छोटे और बड़े जिसपे कि कलाकार क्या सही तरीके से उसमें लिखा नहीं है उस सूची में कि किस कलाकार ने इसको बनाया है, लेकिन पटना कलम के 250 कलाकृतियाँ यहाँ पे छोटी बड़ी मिला करके रखी हुई है। किसी खास शैली का अपना एक वक्त होता है और हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि पटना कलम शैली का भी 200 वर्षों का लगभग एक वक्त था जिसमें पटना कलम ने बहुत ही ऊंचाई हासिल की। ये दुर्भाग्य की बात है कि पटना कलम को वह स्थान नहीं मिल पाया भारतीय चित्रकला के इतिहास में, या भारतीय कला इतिहासकारों ने इसको बहुत तवज्जो नहीं दिया जो इसको मिलना चाहिए था। मुगल काल के कलाकार वो
शाही मुसब्बिर और चितेरे, चित्र उकेरे जन जीवन के, वो पटना कलम के चित्रकार थे। नट मदारी मछली वाली, भिश्ती बढ़ई और कसाई, नाई धुनिया पान वाला चर्मकार को विषय बनाया। लालित्य की लाली खूब लुभाए, वो पटना कलम के चित्रकार थे। मुगल काल के कलाकार वो, शाही मुसब्बिर और चितेरे, चित्र उकेरे जन जीवन के, वो पटना कलम के चित्रकार थे। वो पटना कलम के चित्रकार थे।